नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता तिवारी। आज मैं आपको राजभाषा अधिनियम 1976 के बारे में बताऊंगी। राजभाषा अधिनियम 1963 में किए गए प्रावधान के अनुसार नियम बनाए गए। उन नियमों की राजभाषा नियम 1976 नाम देकर 28 जून 1976 को जारी किया गया। इन नियमों में किए गए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर एक, ये नियम केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समितियों, अभिकरण तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन नियम या कंपनी के कार्यालय आदि भी केंद्रीय सरकार के कार्यालय की परिभाषा में आते हैं। नंबर दो, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्र आदि हिंदी भाषी राज्यों को, जिन्हें क क्षेत्र के राज्य संघ राज्य कहा गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य दिल्ली है, या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किन्हीं असाधारण दशाओं में कोई पत्रादि इन्हें अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा। नंबर तीन, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्रादि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों तथा चंडीगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का, जिन्हें ख में शामिल किया गया है, सामान्यतः हिंदी में भेजे जाते हैं। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा, लेकिन इन राज्यों में किसी भी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी दोनों में ऐसी ही किसी भाषा में भेजे जा सकते हैं। नंबर चार, अन्य अहिंदी भाषी राज्यों, हिंदी ग क्षेत्र कहा गया है, के किसी कार्यालय या व्यक्ति के पत्रादि सामान्यतया अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। नंबर पाँच, केंद्रीय सरकार के ख तथा ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं। नंबर छः, हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। जब कभी अपील या अधिवेदन हिंदी में किए गए या किया जाए या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किया जाए तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। कोई भी हस्ताक्षर या कोई भी आवेदन को हिंदी में ही उसके हस्ताक्षर को दिया जाएगा। और नंबर सात पे है कि केंद्र सरकार या कोई कर्मचारी जिसे हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तकनीकी और विविध दस्तावेजों को छोड़कर किसी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की